से सुओ मोटो लिए गए, जिस तरह से कानून का, आईन का, इंसाफ का तमाशा बना के रख दिया गया, उस पे सिर्फ अवाम नहीं बोले, उस पे सिर्फ सियासतदान नहीं बोले, उस पे सुप्रीम कोर्ट के अपने ब्रदर जजेस बोल उठे, चीख उठे कि ये क्या हो रहा है। पाकिस्तान का करप्ट तरीन जो शख्स उठा के देख लो वो उस गैंग में शामिल है, चाहे वो साकिब निसार हो या वो जनरल फैज हो या वो जस्टिस मुजाहिर अली नकवी हो या वो इनका कोई भी आलाकार हो, जिसको उठा के आप देखेंगे वो शख्स पाकिस्तान का करप्ट तरीन फर्द निकलेगा जो इसके साथ शामिल है। लीडर्स अपने वर्कर्स के आगे, अपने कारकुनों के आगे, अपने अवाम के आगे ढाल बन के खड़े होते, मुंह पे काला डब्बा पहन के नहीं आते। इमरान खान को बचाने नई जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट आ गई है, ये चाहते हैं इलेक्शन जल्द हो जाए वरना जितवाने वाला कोई ना होगा। मरियम नवाज का लाहौर में लेबर कन्वेंशन से धुआंधार खिताब। इमरान को मुसल्लत करने वाले पाकिस्तान के मुजरिम हैं। साकिब निसार का बेटा 125 करोड़ रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया। नवाज शरीफ आराम से बैठकर मकाफात अमल देख रहे हैं। ये हारने के डर से इलेक्शन नहीं कराएंगे, इनका सिर्फ एक मकसद है कि किसी तरह मुझे हटाएं। इमरान खान का लाहौर में पीटीआई की रैली से खिताब, कहा अदालती अहकाम भी नहीं माने जाते। अब मुल्क में जंगल का कानून नहीं चलेगा, आइन के तहफ्फुज के लिए सड़कों पर आएंगे। ये लगाएं जोर, ये सियासी फिरौन और जिताएं आरफ इबासी, तो ये कहेंगे वो कैंडिडेट है लाल वेली का, वो इमरान खान का कैंडिडेट नहीं है। मैंने 4-6 दिन पहले तकरीर में कहा था कि ब्रीफकेसों की सियासत होगी BP11 के टिकट पे। मैंने कहा था ये माफिया से एक होंगे और मुझे पता है कि कौन रात को टेबल पे बैठ के इकट्ठे पैसे बांटता है। पीटीआई के टिकट से माफिया और ब्रीफ केस तक की कहानी। BP11 रावलपिंडी से पीटीआई रहनुमा चौधरी अदनान ने बिजलियां गिरा दी। कहते हैं आरिफ अब्बासी पीटीआई का नहीं लाल हवेली का उम्मीदवार है। टिकट के मामले पर माफिया ब्रीफ केस की सियासत कर रहा है, मालूम है जलसों के पैसे कहां से आते हैं। इमरान खान की वजह से पाकिस्तान जिस हालत में पहुंचा है उसके मुतालिक जरूर कौम को सोचना चाहिए। बहुत पुराना ये एक प्लान था या एक साजिश थी बैन अवी, जिसके तहत इमरान खान को यहाँ लॉन्च किया गया। मौजूदा असम्बली किसी की ख्वाहिश पर नहीं, अपनी मुद्दत पूरी होने पर तहलील होगी, वफाकी वजीर राना तनवीर ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ होंगे, आइंदा बजट भी वफाकी हुकूमत पेश करेगी, बजट में आवाम को भरपूर रिलीफ दिया जाएगा। मुफ्त टाटा स्कीम आवाम के जख्मों पर मरहम रखने की कोशिश थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकातें, साद रफीक, आज़म नज़ीर तारड़, मलिक अहमद खान और अताउल्ला तारड़ शरीफ। वफाक वज़रा की शुरका को PTI से जारी मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग, मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त और PTI क़यादत के मुतालबात बारे मुशावरत की गई। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दायर मजीद 3 दरखास्तों को नंबर अलॉट। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्तों को नंबर अलॉट कर दिए। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच 2 मई को मुकदमे की समाअत करेगा। अदालती इस्लाहात बिल के खिलाफ 3 दरखास्तें भी जेर समाअत, मुकदमे के साथ ही मुंसलिक की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की खाली नशिस्तें। जस्टिस काजी फायज ईसा का मामले पर जुडिशल कमीशन के तमाम मेंबरान को खत, पिशावर और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को नामजद कर दिया। सीनियोरिटी के असूल के मुताबिक जस्टिस मसरत हिलाली और जस्टिस अहमद अली शेख के नामों पर गौर किया जाए। खत में जुडिशल कमीशन का इजलास जल्द बुलाने पर भी जोर। आमदन से ज्यादा असासा जात बनाने का केस, साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार नैब लाहौर तलब। नैब ने तौंसा और DG खान में जारी तरक्याती फंड्स की तफसीलात पूछ रखी हैं। उस्मान बुज़दार के दम ताबुन की सूरत में 3 मई को अदालत में रिपोर्ट जमा कराई जाए। अपना खून पसीना एक करने वाले मजदूरों का आलमी दिन, किसी के लिए मकान तामीर करने वाले अपने सर की छत से महरूम।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तकरीबात और रैलियां निकाली गईं। शिकागो के मजदूरों को खराज अकीदत पेश। आलमी दिन से बेखबर मजदूर आज भी पेट की आग बुझाने के लिए रोजी की तलाश में मसरूफ। लेबर डे पर गूगल का डूडल भी बदल दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म का याम मजदूर पर मेहनतकशों को खराज तहसीन। अपने पैगाम में कहा कि कौम मुल्की तरक्की में मजदूरों के किरदार को सराहती है। आसिफ जरदारी ने कहा महंगाई की वजह से मेहनतकश तबका मुआशी बदहाली का शिकार है। वज़ीरे खारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं मजदूरों के हकूक पर किसी मसलहत का शिकार नहीं होंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि आज का दिन हमें जबरो इस्तबदाद के खिलाफ शिकागो के मजदूरों की जद्दोजहद की याद दिलाता है। लेबर डे पर लाहौर में मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। तमाम बसें गजुमता डिपो में खड़ी कर दी गई। मुसाफिर खार शहरी रिक्शा ड्राइवर्स के हाथों लुटने पर मजबूर। कहते हैं छुट्टी के रोज आना जाना होता है, ट्रांसपोर्ट न मिलने से परेशानी हुई। मुल्क में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिशें। बलूचिस्तान में बारिशों से नदी नालों में तुफियानी। सिंध और पंजाब के मुतादिद इलाकों से सूबे का जमीनी राबता मुनकता। उथल के मकाम पर कौमी शाहरा बंद। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। वादी तीरा में जालाबारी के रिकॉर्ड टूट गए। तैयार फसलों और बागात को शदीद नुकसान। कश्मीर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। रावी किनारे नए शहर की तैयारी। रूडा ने फेज वन के लिए लैंड प्रोक्योरमेंट मुकम्मल कर ली। 41 किलोमीटर जमीन की मरहलावार खरीदारी जारी। डिप्टी डायरेक्टर लैंड कर्नल रिटायर्ड लुकमान सुल्तान कहते हैं रूडा फ्रंट मंसूबा आलमी सरमाकारी का मरकज साबित होगा। सियासी पार्टियों के निशान वाले जैकेट पहनने पर गुलकार अली जफर के चर्चे। शेर और बल्ले की तस्वीर वाली हुडी पहनने पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। अली जफर ने सियासी पार्टी ज्वाइन करने की तरदीद कर दी।